अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता कि तुम सब ठीक ठाक हो गए। तो अज हाशर भाई ने सू ट्रीट दी है। अज असं चले हैं फैसलाबाद। लो जी, असं पहुँच आए हैं फैसलाबाद डी ग्राउंड दी पिज़्ज़ा शॉप। भाई हाशर होनी पूछ रहे थे भाई ये डीलों वो कि डील वा ताकि असं मजीद जरा रजिए रजवी डील दस सू कि आ। भाई उन्होंने मसरूफ से भी आ जी आह डील ताे बेस्ट आ बेस्ट आ बेस्ट आ इन की शॉप से दी पिज़्ज़ा शॉप। लो जी भाई उन्होंने असं आर्डर देता तो भाई उन्होंने फोरन दुकान वाल भज गए। भाई ताडे दसा मिनटा तक असी खाना लैवे आ इन का जरा सारा सैटअप सगा। तो चोरी सेल साहब होनी फुल मंगते वाला प्रोग्राम से हाजी साहब होनी सिर्फ रोटी आन की देर से लपकना सी इंज जैमें कुत्ता हड्डी लपकता। तो बाबा जी वेखो सेल के मूँह फुल लाल डिगन नहीं सी तो कह रहा कि वेला हो रोटी आ जाए। मैं हजे आर्डर दिते एक मिनट ही होया हाजी फिर आवाज मार के पूछ लिया भी बाबा जी साडा आर्डर कितने। हाजी साहब उन्होंने आवाज़ मार के लाके खिलार लिया तो उन्होंने लड़ाई करनी शुरू करती। पाए ना कि वे रोटी आनी मिनट मार के रोटी लै आओ छेती करो ये ना हो साडा मूड चेंज हो जाए तो अभी नैक्सट होटल से रवाना हो जाइए। हाशर भाई उन्होंने मोबाइल ऑन किया तो फैसलाबाद एक मशहूर टिकटॉकर जो ओनली फूड से ब्लॉगिंग करता वा तो वीडियो विखा लग पे ताकि मजीद मूँह चो लाल आन। उस तो बाद भाए उन्होंने जोड़ा सीना तवा सीना बना लग पे अपना मेकिंग करनी शुरू कर दी। तो भाई उन्होंने पूछ लिया भाई तू की चाहिए सेल न सेल कहता सिर्फ और सिर्फ मनु रोटी चाहिए होर कुछ नहीं चाहिए। लो जी शफीक अहमद रोटी खुल गई जे बाबा जी बर्गर आया लाल वाला बर्गर ओह लाल वाला कहता ये बाबा जी टावर बर्गर इनू कहा जाता तो बहुत ही वड्डा बर्गर माशाला तो नाल पता नहीं की मंगा लिया तो सेल परेशान ही हो गया मैं किनू पाँ तो किनू ना पाँ। सेल उन्होंने पट वेख्या नहीं तो फोरन मालिश करनी शुरू कर दी। वेखता तो सामने कि लजीज जरा नाश्ता सगा तो भाई उन्होंने होर किसी का आर्डर रिसीव कर रहे थे क्या बोतल भी लिया भाई बोतल लिया के दतिया फुल प्रोग्राम बनाया। तो हाजी साहब उन्होंने जो लुकमा लिया ए ओ लिया तो नाल ही कहता मज़ेदार। उस तो बाद भाई सेल उन्होंने एक नवाला लैन की कोशिश की तो अद्धा परौंठा नवाले ज खिंच गया। लो जी मैं भी एक बुरकी तोड़ी तो मैं मैं भी जरा व्यूवर्स को अपना जरा ना व्यू दिखा दा परौंठा बाबा जी इन्ना करंची कि क्या ही बात है। मैं भी लेंद्या तेंद्या पटन ही पिया तो बाबा जी पहली बाइट ली मैं क्या वाओ मज़ेदार। हाजी साहब उन्होंने थोड़ी बहुत रोटी खाधी थी तो बाबा जी दिल ललचा रहा कि केड़ा वेला हो तो मैं बर्गर नू पै जा। लो जी हाजी साहब उन्होंने फड़िया वड्डा बर्गर तो खुशी का इजहार वेख सकते तुसी ते पूरा बर्गर जिहड़ा ना बाबा जी वो नहीं आ सकया एडा बर्गर सी फुल टावर बर्गर। लो जी हाजी साहब उन्होंने कहा भी तुम हूँ कैमरा फोटो तो मैं तुम विखा दा खा कि। लो जी मैं भी पूरा मूँह खोल लिया जिड्डा मेरा मूँह से लेकिन पूरा नहीं आया लेकिन बर्गर अखीर से इन्हों का फुल मज़ेदार। लो जी सेल साहब उन्हें फुल सैटअप करके बोतल सैड से करके तो बर्गर की पाइट लैन लगे ए ओए होए 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 सेल कहता अखीर अति उत्तम। उस तो बाद बाबा जी असी अपना खाना फिनिश किया तो फुल ही मज़ेदार अखीर अखीर आ पता नहीं की इन्होंने घलता डील के बच्चे आया जो भी आया सारा कुछ तो लेकिन मज़ा आ गया बाबा जी तिना बंद रोटी कही सी लेकिन वो जी रोटी मैं लग रही थी ना वो कम अज़ कम ही अठा बंद की रोटी सी अखीर मज़ा आया अखीर मज़ा आया इंतहाई बेस्ट टेस्ट इन्हों का दी पिज़्ज़ा शॉप डी ग्राउंड बाज़ार का ना पता कि बाज़ार कि नहीं इन्ना पता डी ग्राउंड से सेल अपना बोतल इंजॉय कर दिया तो असी नाल ही गल्ला करने भी हाजी साहब कि फील होया तुहानू आपां इन्होंने कहिंदे भी तुसीं मुफ्त भी खा सकते आओ तुसीं व्लॉगिंग करते हो तुसीं साडी शॉप की एक बार फिर विजिटिंग करो। असीं कहा नहीं नहीं बस ठीक है हुण ओके साडा जिहड़ा चैनल सबसक्राइब कर दो लाइक कर दो।